गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चेतन चौहान के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यक्त किया शोक। कहा, प्रभु श्री राम परिजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति एवं दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान करें प्रदान। गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता का लखनऊ हुआ तबादला। 2007 बैच के आईपीएस जोगिंदर कुमार होंगे जिले के नए एसएसपी। गगहा थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव में रविवार की सुबह दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के दौरान चंकी पांडे ने अपने चाचा वकील राजेश्वर पांडे को मारी गोली, अस्पताल में हुई मौत। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने दी जानकारी। कहा, दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, शेष तीन अभियुक्तों की पुलिस कर रही है तलाश। 17 साल की नाबालिग का घर से अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में गोला पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई, दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने किया खुलासा। गोरखपुर जिले में 248 नए कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज, दो की हुई मौत। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 5,447। अब तक 86 कोरोना पॉजिटिव मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 2,501 हुए एक्टिव कोरोना मरीज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। खोराबार थाने के गैंगस्टर राजेश निषाद पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध संपत्ति को पुलिस ने किया जब्त। जब्त किए गए सामानों की 28 लाख रुपए आंकी गई है कीमत, सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने दी जानकारी। महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने मानसिक रूप से कमजोर महिला को मिलाया उसके परिजनों से, किया मानवीय कार्य। थाना खोराबार और थाना रामगढ़ ताल की संयुक्त पुलिस टीम को 15,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार करने में मिली सफलता। पुलिस ने एक 315 बोर अवैध देसी तमंचा और एक जिंदा कारतूस किया बरामद। जिले में 49 परीक्षा केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा। लगभग 12,000 परीक्षार्थी हुए शामिल, जबकि 11,171 ने छोड़ी परीक्षा। और शासन के निर्देश पर दो दिनों की साप्ताहिक बंदी के दूसरे दिन रविवार को सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। सीओ कैंट ने लोगों से की अपील, शासन व प्रशासन के निर्देशों का करें पालन।